आज हमने जिस फिल्म का इंतखाब किया है उस पर गुफ्तगू से कबल एक बात वाजा करते हैं कि इस फिल्म के शोबाए मौसीकी और कहानी पर हमारी राय या तबसरे को हतमी या मुस्तनद हरगेज तस्वर ना किया जाए। हम ये इतराफ़ करने में किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं करेंगे कि ये दोनों शोबे इस कदर बुलंद मेयार के हामिल हैं कि इन पर इजहार राय की जिसारत ही एक बड़ा एजाज है। इन शोबों पर मुदल्लिल गुफ्तगू कोई माहिर मौसीकी या उर्दू अदब का उस्ताद ही दुरुस्त अंदाज में कर सकता है। हमने इस कदर मुश्किल फिल्म का इंतखाब सिर्फ और सिर्फ इस नियत से किया है कि हम अपने दोस्तों को आगाही दे सकें कि पाकिस्तानी सिनेमा के लिए किस कदर बुलंद दर्जा शख्सियत ने अपनी सलाहियतों का इजहार किया और अपनी इनफरादियत कायम की। आपको बता दें आज की फिल्म का नाम इसके बाद बात होगी इस फिल्म के मुख्तलिफ शोबों पर और देंगे इस फिल्म से जुड़ी तमाम तर मालूमात आपको। तो हमारी आज की फिल्म है नीला पर्वत। दोस्तों फिल्म नीला पर्वत की पसे पर्दा शख्सियत में अक्सरियत का ताल्लुक शोबाए फिल्म से नहीं था बल्कि उनकी पहचान उर्दू अदब क्लासिकी मौसीकी या फिर गायकी थी। ऐसी काबिल फख्र शख्सियत को एक ही फिल्म में यकजा करने का सहरा फिल्म के हिदायतकार अहमद बशीर के सर जाता है जो खुद भी अदबी घराने के फर्द होने के साथ साथ कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। शोबाए फिल्म से उनका ताल्लुक एक रिपोर्टर की हैसियत में शुरू हुआ और नीला पर्वत की तकमील और नुमाइश तक जारी रहा। नीला पर्वत के लिए उन्होंने जिस कदर पेचीदा मौजू का इंतखाब किया इसे समझने के लिए रूहानी और नफसियाती उलूम पर उबूर लाजमी है। बसूरते दीगर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुसन्निफ ने अपने किरदारों की मार्फत किस इंसानी या मुआशरती खामी या बुराई की निशानदही की है। मुमताज़ मुफ्ती उर्दू अदब का बुलंद पाया नाम जिन्होंने अपनी तख्लीकात में रूहानियत को शामिल करके एक नया रंग बख्शा। नीला पर्वत की कहानी और मुकालमे उन्हीं के जोर कलम का नतीजा थे। इंतहाई महारत से मुख्तसर कहानी को किरदारों की हरकत और सकनात और चेहरे के तासुरात के जरिए आगे बढ़ाया गया। इंसानी वजूद में नेकी बदी की कुवतों में असाबी जंग दबी दबी ख्वाहिशात से जो वाकयात जन्म लेते हैं यही सब नीला पर्वत का हुस्न है। मुमताज़ मुफ्ती ने 60 की दिहाई में जब हर तरफ इश्क और मोहब्बत के तराने गाए जा रहे थे सिल्वर स्क्रीन के लिए इंतहाई खुश्क मौजू पर स्क्रिप्ट तहरीर करके एक रिस्क लिया था जो फिल्म साज के लिए 100% कारोबारी तौर पर नुकसानदेह साबित हुआ। मगर जब फिल्म साज अहमद बशीर की यही ख्वाहिश हो तो कहानीकार को मुरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। दोस्तों नीला पर्वत के हवाले से हम जिस कदर भी गुफ्तगु कर लें आप हमारी बातें उस वक्त तक समझ नहीं पाएंगे तब तक के हम आपको इस फिल्म की कहानी से आगाही फराहम ना कर दें या आप ये फिल्म देख ना लें। इसके बाद जब हम नीला पर्वत के मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगु करेंगे तो आप बा आसानी हमारे अल्फाज में तनकीद और ताजीम के मकसद से इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले फिल्म की कहानी आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो इंतहाई मुख्तसर है। हज़ब रिवायत फिल्म की कहानी से कबल हाजिर है फिल्म का टाइटल। इसी ने बड़े खान को तलवारें ला के दी थी जब बाप बेटे में लैला बीवी पर झगड़ा हुआ। इसी ने लंगड़े के गोली मारी थी। इसी ने मुझे आधी रात को जगाया था।
गाड़ी जो तो इसी में लगती। फिल्म साज इदारे फिल्मों यूटोपिया की जानिब से एम ए खुर्शीद पेश करते हैं उर्दू तजर्बाती फिल्म नीला पर्वत। कास्ट में शामिल अदाकार मोहम्मद अली, हुस्ना, कोमल, आगा तालिश, कमाले रानी, पन्ना, पिया रंग, कादर, गौतम, फोमी, खुर्शीद, कंवल, आगा जान। मुसन्निफ़ मुमताज़ मुफ्ती। मुसिकार पिया रंग, कादर अख्तर हुसैन। बैकग्राउंड म्यूजिक सलीम इकबाल। नगमा निगार हफीज़ जालंधरी, इब्ने इंशा, जहूर नज़र, पिया रंग, कादर। गुलकार रोशन आरा बेगम। मलका तरन्नम नूर जहां, अस्मा अहमद, अल्ताफ महमूद, पिया रंग, कादर, अनिका बानो, अस्मारा अहमद और नज़ीर बेगम के अलावा तलत सिद्दीकी, अकास एम हुसैन, नसीम हुसैन शाह, नुसरत भट्ट, माविन अकास, मसूद भट्ट, आर्ट इकबाल हुसैन, एम सिराज, सरवर गौरी निशान, तदवीन अमान मिर्ज़ा, माविन हिदायतकार अरशद मिर्ज़ा, डांस डायरेक्टर एम सिद्दीक हमीद चौधरी, फिल्मसाज अहमद बशीर, हिदायतकार अहमद बशीर, हफीज रूमानी। तुम्हारा इंतजार वो तो अपनी बिल्ली से खेल रहे होंगे। नीला पर्वत पुरसरार खंडरात का नाम है। ये खंडरात इलाके के सरदार पाइंदा खान की मिल्कियत हैं। फिल्म का आगाज इसी नीला पर्वत खंडरात से होता है। पुलिस की गाड़ी खंडरात के बाहर आकर रुकती है। पुलिस इंस्पेक्टर अदाकार गौतम खंडरात में दाखिल होने की कोशिश करता है तो चौकीदार उसे आगे जाने से रोकता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। खंडरात के तहे खाने में हर तरफ अंधेरा है। जब टार्च की रोशनी फैलती है तो वहां जमीन पर पड़ी चार लाशें नजर आती हैं। इनमें एक लाश सरदार पाइंदा खान यानी के अदाकार आगा तालिश की है, दूसरी लेला यानी के अदाकारा हुसना, तीसरी प्रोफेसर एम ए नियाजी यानी के अदाकार कमाले रानी और चौथी लाश कादर मामा पिया रंग कादर की है। इन चारों को किसने कत्ल किया? इंस्पेक्टर चौकीदार से सवाल करता है। चौकीदार एक होलनाक कहानी उन्हें सुनाता है और फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कौन जाने फिर क्या हुआ। सरदार पाइंदा खान का खानदान सदियों से इस इलाके में आबाद है। उनका जागीर में इंतहाई बुलंद मकाम और एहतराम है। खुद सरदार पाइंदा खान हर एक की मदद करने में पेश रहते हैं। उनकी नेक नामी जागीर में बहुत मशहूर है। सरदार पाइंदा खान के दोस्त अब्दुल्ला और उनकी अहलिया हादसे में हलाक हुई तो उनकी लावारिस बेटी लेला की परवरिश की जिम्मेदारी भी पाइंदा खान ने पूरी की। लेला का भाई बचपन में घर से भाग गया था, जिसने मौसीकी के उस्ताद कादर मामा के जेरे साया आला तालीम हासिल की। अब वो प्रोफेसर बन चुका है। प्रोफेसर नियाजी और लेला दोनों एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर शेव का सामान साफ नहीं हुआ तो थप्पड़ लगाऊंगी। बुक रखने के लिए बुक शेल्फ है और कपड़े रखने के लिए कपड़ों की अलमारी। पाइंदा खान का एक बेटा है सरदार बख्तियार खान यानी के अदाकार मोहम्मद अली, जिसे सब प्यार से बख्तू कहते हैं। हसीनो जमील और बाकिरदार इंसान। लेला दिल ही दिल में बख्तू से मोहब्बत करती है, लेकिन बख्तू बचपन से लेला को अपनी बहन के मकाम पर देखता आया है। वो अपने चचा की बेटी राशिदा से मोहब्बत करता है और कई बार शादी का इरादा भी जाहिर कर चुका है। सरदार पाइंदा खान महसूस करते हैं कि लेला उनके बेटे बख्तू में दिलचस्पी लेती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि बख्तू और लेला का मिलाप हो। आखिर क्यों? सरदार पाइंदा खान की ये सोच है। बख्तू तो नहीं आया अभी? नहीं बीबी जी।
फिर कहीं चले गए चाय के वक्त। दुनिया वालों को महजब और साहिब किरदार दिखाई देने वाले सरदार पाइंदा खान दिल ही दिल में लैला को पसंद करते हैं, लेकिन उम्र के फर्क और दोस्त की बेटी होने की वजह से वो अपनी दबी ख्वाहिश का किसी से जिक्र नहीं करते। इस ही जानी और जुनूनी कैफियत ने उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तिला कर दिया है। वो नींद में चलने के आदि भी हो चुके हैं। अक्सर पाइंदा खान नींद में चलते चलते लैला, जिसे वो प्यार से लाली भी कहते हैं, के कमरे में पहुंच जाते हैं। जब उन्हें अपनी ही जानी कैफियत से होश आता है तो शर्मिंदा भी होते हैं कि उनसे ये क्या गुना सरजद हो गया। उन्हें इस बात का एहसास था कि वो एक इज्जतदार खानदान के फर्द हैं। उनके बुजुर्गों ने इज्जत और नामूस की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर उनकी इस ही जानी कैफियत का दुनिया वालों या बेटे बख्तू को इल्म हो गया तो खानदान की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। परेशान तो नहीं जी, उन्हें देख रही थी। मत परवाह क्या करो उसकी, क्या कहती है, चलो चाय पी मिलकर हम दोनों। अपनी इस जज्बाती और हिजानी कैफियत पर काबू पाने के लिए सरदार पाइंदा खान ने अपने पैर तक जला दिए ताकि वो नींद में ना चल सकें, लेकिन उनके अंदर मौजूद जिंसी लज्जत का रसिया इंसान उनके बाकिरदार इंसान पर हमेशा हावी आ जाता है। सरदार पाइंदा खान हर उस चीज को लैला से दूर कर देते हैं जिस पर उन्हें शुबा हो के ये लैला के करीब आ रही है या लैला उसके करीब जा रही है। लैला की अपने भाई प्रोफेसर नियाजी से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद सरदार पाइंदा खान दोनों की मुलाकात पर पाबंदी लगा देते हैं। बख्तू को लैला पसंद करती है तो बख्तू की मंगनी वो राशिदा से तय कर देते हैं। पाइंदा खान का चचा अपने बेटे के लिए लैला का रिश्ता मांगता है तो वो उसे भी इनकार कर देते हैं। लैला के बाप का नाम अब्दुल्ला नियाजी था। उसकी मौत के वक्त उसका दोस्त पाइंदा खान भी अफ्रीका में मौजूद था। पाइंदा खान तो मेरे चचा हैं। सरदार पाइंदा खान के वजूद में अच्छाई और बुराई के दरमियान जारी जंग का एक रात ये अंजाम सामने आता है कि ये राज सब जान लेते हैं कि सरदार पाइंदा खान लैला के लिए क्या जज्बात अपने दिल में रखते हैं। बख्तू, प्रोफेसर नियाजी, राशिदा, कादर मामा सब अपनी आंखों से ये मंजर देख लेते हैं कि पाइंदा खान लैला को सीने से लगाए चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, बस तुम मेरी हो। इस हिजानी कैफियत से जब उन्हें होश आया तो खानदान के सारे लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे और लैला ये सब देख कर बेहोश हो गई। मुझे सरदार पाइंदा खान साहब से मिलना है। तुम कौन हो? जी मेरा नाम प्रोफेसर एमए नियाजी है। तुम कोई भी हो, मैं किसी लंगड़े को अपने घर के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सरदार पाइंदा खान को फिक्र थी अपने खानदानी वकार और इज्जत की, लेकिन अंदर की जुनूनियत अब भी उन पर हावी थी। उन्होंने लैला को गाड़ी में डाला और नीला पर्वत खंडरात की तरफ चल दिए। बख्तू, राशिदा, प्रोफेसर नियाजी, कादर मामा पीछे दौड़े। लैला को बचाने के लिए बख्तू बाप के सामने खड़ा हो गया। दोनों में तलवारबाजी का मुकाबला हुआ तो बख्तू हार गया। पाइंदा खान ने कादर मामा से कहा कि बख्तू और राशिदा का निकाह पड़ा है। निकाह के बाद जख्मी बख्तू और राशिदा को उन्होंने नीला पर्वत से गाड़ी में बिठाकर रुखसत कर दिया। दो गोलियां सोते वक्त, एक इंजेक्शन रोजाना, दिमागी सुकून, बेहोशी की दवाइयां। बेहोशी भी कितनी बड़ी नेमत है। बेहोशी में आदमी नहीं चलता अपनी दबी हुई आरजू की तरफ। मेरी कोई दबी हुई आरजू नहीं। अब खंडरात में लैला, प्रोफेसर नियाजी, कादर मामा और पाइंदा खान बाकी रह गए थे। पाइंदा खान के असल चेहरे के गवाह सरदार पाइंदा खान अपने किए पर शर्मिंदा, लेकिन जज्बात के हाथों मजबूर। फिर
क्या हुआ, आखिर ये चारों मौत के मुंह में कैसे पहुंचे। ये एक तवील मंजर में भरपूर ड्रामे के साथ नीला पर्वत के क्लाइमैक्स का हिस्सा है। जब फिल्म में आप यकसोई और सुकून के साथ ये मनाजिर देखेंगे तो यकीनन नीला पर्वत एक ना भूलने वाली फिल्म आपके लिए साबित होगी। बड़े खान साहब, आज बहुत सोए आप, मजे की नींद सोए। हाँ लाली, मगर तुम क्यों आई यहाँ? जी चली जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। जी दोस्तों, हमने नीला पर्वत के तबसरे के आगाज में ही कह दिया था कि कम अज कम शोबाए मौसीकी और कहानी के बुनियादी मकसद या इनके मेयार पर तबसरा हमारी कुवत में नहीं, इसलिए जो समझ सके यहाँ बयान कर दिया है। कहानी के ज्यादा पहलू आप फिल्म मुकम्मल देख कर ही समझ पाएंगे। मुमताज मुफ्ती के कलमी मेयार को अगर कोई फर्द तबसरे के जिमरे में लाने की जिसारत करता है तो इसे नादानी गर्दाना जाएगा। मुमताज मुफ्ती ने इंसानी जिंसी ख्वाहिशात और हिजान अंगेज कैफियत के पहराए में एक मुश्किल कहानी तहरीर की तो इसे आम फिल्मों से हटकर मरबूत स्क्रीन प्ले के साथ अहमद बशीर और हफीज रूमानी ने सिल्वर स्क्रीन के लिए फिल्म बंद किया और इसे एक कमर्शियल से ज्यादा सीमी आर्ट फिल्म बनाने में कामयाब रहे। तुम अपने भाई को मिल सकती हो। मेयार के एतबार से अहमद बशीर एक बड़ी फिल्म तख्लीक करने में कामयाब रहे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नीला पर्वत 100% नाकाम रही। 3 जनवरी 1969 को नीला पर्वत पंजाब सर्किट और 7 फरवरी को सिंध सर्किट में रिलीज की गई। इस फिल्म की नाकामी की कई और वजूहात भी सामने आई। नीला पर्वत कम अज कम 4 साल जेर तकमील रही। इल्तवा का शिकार होने की वजह से इसकी बॉक्स ऑफिस वैल्यू पहले ही खत्म हो चुकी थी। फिल्म में कोमल और मोहम्मद अली के कुछ बोल्ड मनाजिर और कहानी में पेश करदा हकाइक पर सेंसर बोर्ड ने एतराज किया। कांट छांट के बाद इसे सिर्फ बालगान के लिए नुमाइश की इजाजत दी गई तो खवातीन ने कतई तौर पर इस फिल्म को नहीं देखा। अब्बा मेरी समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। शोबाए मौसीकी की जिम्मेदारी पिया रंग कादिर पर थी जो क्लासिकी मौसीकी के उस्ताद और गुलकार मशहूर थे। अहमद बशीर के इंतहाई करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता था। उन्होंने दिल जमी से फिल्म का म्यूजिक तरतीब दिया। फिल्म के 10 गीत और 1 पुतली तमाशा रक्स, 1 गीत अख्तर हुसैन की मौसीकी से मुजयन था। बकिया गीतों के मौसीकार पिया रंग कादर थे। उर्दू अदब के उस्ताद शोरा हफीज़ जालंधरी और इब्ने इंशा की शायरी से इस्तफादा करके नीला पर्वत के शोबाए मौसीकी को बुलंदी पर पहुंचा दिया गया था। गाने हर एतबार से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोशन आरा बेगम समेत निस्फ दर्जन मजीद फिल्मों के लिए गैर मारूफ गुलूकारों की सलाहियतों को गीतों में इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मलका तरन्नम नूर जहाँ ऐसी गुलूकारा थीं जो फिल्म के लिए मशहूर थीं। तमाम गीतों में क्लासिकल रंग नुमाया था, इसलिए आम फिल्म बीनों के लिए इसमें कशिश ना होने के बराबर थी। और मैंने फैसला किया है कि अपने तमाम फरीजे पूरे कर लूं और फिर हज को चला जाऊं सच्चे मौला के हुजूर में। शोभा अदाकारी में आगा तालेश दी लीजेंट के हवाले से नीला पर्वत वन मैन शो करार पाई। शायद ही इस कदर तवील और भरपूर किरदार उन्होंने किसी और फिल्म में अदा किया हो। फिल्म के नेस्व से ज्यादा दौरानिए पर उनका कब्जा, मुकालमों की अदायगी, चेहरे के तासुरात या स्क्रीन पर नजर आने वाला जाहो जलाल सब कुछ आगा तालेश के लिए था। अहमद बशीर की डायरेक्शन में वो अपने फनी कैरियर का एक और यादगार किरदार अदा करने में कामयाब रहे।
मोहम्मद अली और हुसना के किरदार उनके तजर्बाकार होने की वजह से ज्यादा मुश्किल ना थे और वो बआसानी अपने किरदारों को निभा गए। तालेश के बाद कोमल को नंबर दिया जा सकता है कि उन्होंने अदाकारी से ज्यादा कहानी के तकाजों के मुताबिक ही जान अंगेजी बरपा करने में 100% नंबर हासिल किए। कमाल रानी पिया रंग कादर भी मुतासर कर गए। पन्ना एक रक्स में दिखाई दी और अपना काम हज़्ब रिवायत कामयाबी से अदा किया। हमने अपनी सारी जायदाद राशिदा बीबी को जहेज में दी। फिल्म की एक खूबी इसका शोबा रक्स भी है। आम फिल्मों से हट कर क्लासिकी मौसिकी और इसी एतबार से रक्स में क्लासिकी रंग मास्टर सिद्दीक और हमीद चौधरी की कारकर्दगी काबिले तारीफ करार दी जा सकती है। जी दोस्तों, नीला पर्वत के हिदायतकार और फिल्मसाज अहमद बशीर का ताल्लुक एक अदबी और फनकार घराने से है। उनकी अपनी एक जुदा गाना शनाख्त है तो बाद में आने वाले दिनों में बुशरा अंसारी की शक्ल में बुलंद पाया फनकारा ने उनका नाम रोशन किया। अगरचे नीला पर्वत कमर्शियल एतबार से नाकाम फिल्म साबित हुई जिसका उन्हें शदीद दुख भी था, इससे बढ़कर सितम जरीफी ये रही कि इस कदर बुलंद मेयार का काम न सिर्फ हुकूमती सतह पर नज़रअंदाज किया गया बल्कि सरकारी सतह पर इस फिल्म को एक फहाश फिल्म साबित करने की कोशिश भी की गई। नतीजा ये निकला कि अहमद बशीर ने फिर कभी मुड़कर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है हज़्ब रिवायत आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी और अपने तासरात से आगाही ज़रूर दें। अगली फिल्म तक के लिए दें यासीन हमीद को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा।